हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी टू ऑल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड अभी मैं इवनिंग से अपना ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। शाम में गोलगप्पे आए थे तो वही खा रही हूँ। एंड उसके बाद श्रेयांशी का होमवर्क करवाने के बाद मैं अपने काम में जुट गई थी। ये ना कार्डबोर्ड का घर है जो हर दिवाली में इसको मैं मार्बल चिपकाती हूँ। और हमारे यहाँ बिहार में खास तौर से यहाँ पर दिवाली में इसमें ना अनाज भरे जाते हैं, छोटे छोटे बर्तन मिट्टी के, प्लास्टिक के, जो भी होते हैं उसमें अनाज, सात तरह के अनाज, मीठा वगैरह जो भी है, पूजा किया जाता है इस तरीके से, ताकि हमारा घर अनाज से भरा रहे, इस तरीके से मतलब किया जाता है। तो ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है और इसको ऊपर मैं मार्बल चिपका रही हूँ। बहुत मेहनत लगा, करीब 1.5 घंटे लग गए थे मेरा इसमें चिपकाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है ये। मतलब आधा 1.5 घंटा लग गया और बहुत थक भी गई थी करते करते। एंड उसके बाद खाना पीना खा के सो गई थी। एंड ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मॉर्निंग में उठ के मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। एंड मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ। यहाँ पे मैं फिर किचन के लिए निकल गई थी, हेयर वॉश की थी आज, तो मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने उसके बाद। एंड खाने में आज है रोटी और पालक और आलू की सब्ज़ी, जो करीब मैं 10 बजे खा रही हूँ, मतलब कि पूरा किचन का काम वगैरह ख़त्म करके। एंड उसके बाद मैं रूम में थोड़ा सा साफ़ सफाई करना था। अब चार पाँच दिन जैसे कि हो जाते हैं ना, तो ये सब थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा क्लीनिंग करना पड़ता है। तो करीब 4-5 दिन हो ही गया है मेरे रूम की सफाई किया हुआ। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल और छोटा सा अनबीरा है वो, और गोदरेज वगैरह की चीज़ें वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ, फ्रिज वगैरह सब साफ़ की थी। अभी सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, लगभग 11 बज रहे हैं अभी। झाड़ू पोछा जो भी है सब कंप्लीट हो गया है, रूम का झाड़ू पोछा हो गया है, बरामदा आगे वाला रूम जो पापा का रूम है वो, और जो मेन गेट है ना वो, उसका सफाई मैं नहीं की थी तो वो आज मैं की थी, इसलिए आज थोड़ा सा टाइम भी लग गया है। मतलब घर के बाहर जो होता है ना वो वाला साफ़ की हूँ। और हमारे मतलब कि 2 गेट हैं, देख सकते हो, ये गेट और ये गेट, दोनों मतलब अंदर जाने के लिए 2 गेट हैं, और ये दोनों गेट की सफाई की हूँ, बाहर की सफाई की हूँ थोड़ा सा, अभी सब देख सकते हो गीला ही है। और ये सब प्लांट वगैरह थोड़ा बहुत लगा के रखी हूँ, ये सब लीव्स वगैरह जो है ना गंदे हो रखे थे, तो इसको भी साफ़ कर दी हूँ। तो आज इसी में मेरा टाइम चला गया और फाइनली मतलब कम्प्लीट हो गया सारा काम, और रूम वगैरह अच्छे से सेट कर दी हूँ साफ़ सफाई करके। एंड उसके बाद ये देखिए मेरा रूम। एंड उसके बाद मैं सोच रही थी सब साफ़ सफाई हो ही गया है तो अपने आप को भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, स्क्रबिंग वगैरह बहुत टाइम से नहीं की हूँ। तो मेरे यहाँ पड़ा हुआ था पॉन्स का फेसियल, अब फेस पैक था, फेसियल किट ही बोलिए इसको, तो वो लेके बैठ गई हूँ। और यहाँ पे पानी और एक छोटा सा हैंकी, और मैं फेसियल करना स्टार्ट कर दी हूँ अपना। मुझे जिस तरीके से आता है सिंपल सा, उसी तरीके से करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो है वो क्लींजिंग था, तो वो कर रही हूँ। और करीब 5 मिनट तक आपको इसी तरीके से मसाज करना होता है।
एंड यहाँ पे मेरा फेसियल ख़त्म हो गया, मतलब कि जैसे भी आता तो मैं कर ली। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी श्रेयांसी को लाने के लिए, लेकिन इनको कॉल की थी, बोली मैं ले आऊँगा, तो इसलिए फिर मैं किचन में चल गई। आज सैटरडे था तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि पापा का भी आने का टाइम हो गया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं निमकी बना रही हूँ, पहले ये ट्रायंगल वाला निमकी बनाई थी एंड फिर बिहारी स्टाइल में निमकी बनाने लग गई। उसके बाद यहाँ पे मैं खिचड़ी, चार, चिप्स वगैरह और चोखा खा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी था, पालक वगैरह डाल के बनाई थी। तो आज के लिए इतना ही, अभी थोड़ी देर में मैं शॉपिंग करने जाने वाली हूँ, क्योंकि आज धनतेरस है 6 बजे से, तो लोग आज भी ख़रीदारी कर रहे हो, कल भी ख़रीदारी करेंगे, तो मैं सोच रही कुछ सामान आज ले लूँ और कुछ कल ले लूँगी। तो इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।